हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 17 मार्च से इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म डालना प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 31 मार्च तक फॉर्म डाले जाएंगे। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर थोड़ा सा आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाए और आपको थोड़ी सी जानकारी से अवगत करा दिया जाए कि एयरफोर्स फेस टू में कौन कौन से सेंटर आपको सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन रेशो अच्छा रहे और आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो। तो इसी क्रम में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कुछ चीज़ें, पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद में सीधा मैं बताऊँगा कि फेस टू के लिए कौन से सेंटर आपको सिलेक्ट करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप फॉर्म डालने में कोई जल्दी मत कीजिए, 31 तारीख तक का आपके पास टाइम है, तो आराम से मतलब 25 तारीख तक अपने फॉर्म डाल दीजिए, मतलब 25 से पहले पहले कभी भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लास्ट में एक दो दिन ज़रूर साइट बिजी चलती है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दूँ, तो यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है, साथ ही आपका 5 सेंटीमीटर तक चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए। बाकी ऐसा सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा आर्मी जैसा कुछ बड़ी चीज़ें इसमें मांगी नहीं जाती हैं। अब सीधा मैं आ जाता हूँ इसके एज लिमिट पे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एज यहाँ पर सिंपल से आप देख सकते हैं, इसमें एज दे रखी है 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच अगर आपकी एज लिमिट है तो आप सिंपल से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब हम सीधा आ जाते हैं कि आपको कौन कौन से सेंटर सिलेक्ट करने चाहिए फेस टू के लिए, यानी कि प्रेफरेंस वाइज कौन कौन से सेंटर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको फेस वन के लिए बता दूँ, फेस वन के लिए आप अपने नियरेस्ट सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि एग्जाम्पल देकर मैं अगर बताऊँ कि अगर आप MP के रहने वाले हैं तो आपके पास कहीं भी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जो भी सेंटर आपके नियरेस्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो सेंटर आपका एग्ज़ाम के लिए रहता है यानी कि फेस वन के लिए जो सेंटर रहता है उसका कोई भी रोल आपके सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं रहता है, वो तो सिंपल सा आप एग्ज़ाम कहीं भी देंगे सेम ही रहेगा, तो पास वाला ही सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फेस टू के जो सेंटर है उसका कुछ इफेक्ट यहाँ पर देखने को दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है और मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, जहाँ पर बड़े सेंटर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बंदों की रिपोर्टिंग होती है, ज़्यादा बंदों की रिपोर्टिंग होने की वजह से जो रनिंग का ग्रुप बनाया जाता है वो भी ज़्यादा बंदों का बनाया जाता है, तो वहाँ पर ये चांस रहते हैं कि मतलब एक मेंटेलिटी टाइप रहती है कि अगर ज़्यादा बंदों का रिपोर्टिंग होगा या बड़ा सेंटर रहेगा तो ज़्यादा बंदे वहाँ से आउट होंगे, इस तरह का सिंपल सा उनका भी मेंटेलिटी रहता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर वहाँ पर 400 या 300 बंदों की रिपोर्टिंग रहेगी तो उनको भी ज़्यादा बंदों को बाहर करना ही रहेगा। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने रनिंग टाइम में पूरी कर गए तो ज़बरदस्ती आपको बाहर कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रिक्ट जो रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पुशअप में होल्ड करवा देंगे या फिर ग्रुप डिस्कशन में या फिर SRT में बाहर कर देंगे। तो इस तरह से फेस टू के जो सेंटर आप सिलेक्ट करते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा रोल रहता है। तो अगर मैं बात करूं अपने जो नॉर्थ इंडिया वाले जो भी सेंटर हैं, जैसे जोधपुर अपना सेंटर हुआ, उसके बाद में अपना अंबाला हुआ, दिल्ली हुआ, ये सेंटर आपके पास तो रहेंगे, लेकिन साथ में एक चीज़ ये भी हो जाती है कि इन सभी सेंटर्स पे, ये सभी बड़े सेंटर होने के कारण ज़्यादा बंदों की यहाँ पर रिपोर्टिंग होती है, तो उस वजह से मेरा जहाँ तक मानना है और मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपने फेस टू का जब सेंटर का प्रेफरेंस दें तो इन सेंटर्स को लास्ट में रखें। पहले आप साउथ इंडिया वाले जो सेंटर हैं, भले ही वो आपसे थोड़े दूर, आप जहाँ रहते होंगे वहाँ से दूर पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन रेशो अच्छा है। मैंने अभी 7SC बेंगलुरु से अपना फिज़िकल क्लियर किया है, तो मैं मतलब फेस टू वहाँ से क्लियर किया है, फिज़िकल और फेस टू दोनों, तो वहाँ पे थोड़ा सा इजी सेंटर मेरे को लगता है। तो अगर आप मतलब डालना चाहें फॉर्म तो जो साउथ इंडिया वाले सेंटर है, जैसे कि अपना बेंगलुरु हुआ और अपने उसके बाद में अपना सिकंदराबाद हुआ, ये आप सेंटर प्रेफरेंस में डालें। यानी कि मेरे हिसाब से अगर आप माने तो पहले नंबर पे आप बेंगलुरु डालिएगा, दूसरे नंबर पे सिकंदराबाद और तीसरे नंबर पे आप गुवाहाटी डालिएगा। बाकी दो प्रेफरेंस और रहेंगी लास्ट वाली, तो उनमें आप कोई से भी नॉर्थ इंडिया वाले सेंटर्स को डाल दीजिएगा, तो आपके सिलेक्शन के मतलब फेस टू क्लियर करने के ज़्यादा चांसेस यहाँ से रहेंगे। बाकी आप एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि और साथ ही फेस टू की भी प्रिपरेशन आपको करनी ही पड़ेगी, ताकि आप कहीं भी आपका सेंटर लगे तो आपको दिक्कत ना आए। बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके शेयर कर दिया है और यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।